This conference will now be recorded. Okay. निफ्टी का व्यू देखते हैं. निफ्टी में देखेंगे तो क्वार्टरली के हिसाब से निफ्टी क्वार्टरली का चार्ट देखते हैं तो क्वार्टरली के हिसाब से आरएसए नीचे है. एमएसडी भी नीचे है और वीकली का E30 तो आया है. जब क्वार्टरली में वीक रहता है तो वीकली का E30 के आजू बाजू में किधर तो रेजिस्टेंस रहता है. वीकली के आजू बाजू के E30 के आजू बाजू में किधर तो रेजिस्टेंस रहता है. यहाँ पे तो वीकली E30 टच किया, मतलब अभी ये लेवल पे बाय प्रेफरेंस बाइंग नहीं होना चाहिए, थोड़ा मार्केट को नीचे आने देना चाहिए. मतलब अभी क्वार्टर का जो बार था वो पहले वाला क्वार्टर का जो बार था वो रेड था, मतलब मार्केट गिरा था, उसको वो रिट्रेस हुआ. अभी रिट्रेस होने के बाद अभी नेक्स्ट ये क्वार्टर खत्म हो रहा है, जून आ रहा है, जून 25 जून है तो क्वार्टर खत्म हो रहा है. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का वापस सेकंड रिट्रेसमेंट, मतलब ये बुल का जो बाय हुआ है बीच में जो बाय हुआ है, ये हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगी कि ये जो बाय हुआ है उसका रिट्रेसमेंट, मतलब ये लो से ये हाई तक जो रिट्रेसमेंट है 50% या 38% कुछ भी है वो होना चाहिए. मतलब 50% का रिट्रेसमेंट देखते हैं तो 9200 के आजू बाजू में आता है, 38% का रिट्रेसमेंट देखेंगे तो मेरे ख्याल से 9700 के आजू बाजू में आता है. मतलब कम से कम डेली का E30 जो है, जो ये लेवल दिख रही है डेली का E30 के लेवल जो दिख रही है वहां तक मार्केट नीचे आ सकता है पहले. तो वहां आने के बाद हम कुछ बाय कर सकते हैं, लेकिन हम जो डेली का E30 नहीं आया अभी के लेवल पे बाय किया हमने तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है. क्योंकि H3 के चार्ट में देखते हैं तो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, MACD का नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है, मतलब स्टॉक ऊपर गया है और MACD का जो टॉप है वो नीचे गया है. तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस बता रहा है और ये क्वार्टर भी खत्म हो रहा है और स्टॉक अपना रूल के हिसाब से देखेंगे तो वीकली E30 उसका टारगेट था वो भी कंप्लीट हुआ है. तो ऐसे कंडीशन में हम फ्रेश बाइंग इनिशिएट अभी ये लेवल पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा मार्केट को, मतलब मार्केट को कहाँ नीचे जाना है वो नीचे आने के बाद ही हम कुछ स्टॉक बाय कर सकते हैं. ठीक है, मतलब जो जो स्टॉक में क्वार्टरली वीक है और वीकली का E30 है इसके आजू बाजू में किधर भी स्टॉक आया है तो उसको बाय नहीं करना है. नीचे में कोई स्टॉक रहेगा, समझो अभी इंडसइंड बैंक की प्राइस थोड़ी नीचे है, E30 टच नहीं किया, वो बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. लेकिन मार्केट के साथ जहाँ पे जो स्टॉक में वीकली E30 टच किया है वैसे स्टॉक को हम, और क्वार्टरली में वीक है वैसे स्टॉक को हम बाय नहीं करेंगे. ये लेवल पे वीकली के 30 के ऊपर के बाय लेवल पे बाय नहीं करेंगे, फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे. नीचे रहेगा तो थोड़ा बाय कर सकते हैं. कभी ये मार्केट का मतलब निफ्टी निफ्टी सपोर्ट लेवल है, एंड रेजिस्टेंस लेवल है 3 के चार्ट के हिसाब से सेलिंग दिख रहा है और नेगेटिव डाइवर्जेंस में सेलिंग है. MACD का नेगेटिव डाइवर्जेंस है उसके साथ में वो सेलिंग है. तो 10,000 रिट्रेसमेंट, ये लेवल का रिट्रेसमेंट देंगे तो 10,430 का आजू बाजू में आ रहा है. तो रेजिस्टेंस लेवल 10,450 एंड 10,520. 10,520 ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा. हायर एंड में बाय करना है तो ये जब तक आरएसआई, मतलब हायर एंड में बाय हो सकता है कोई भी स्टॉक,
निफ्टी भी बाय हो सकती है, क्योंकि वीकली का आरएसआई जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक हम, वीकली का आरएसआई जब तक नीचे नहीं है, अभी यहाँ पे देखते हैं तो वीकली का आरएसआई, वीकली में के चार्ट में आरएसआई सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है और कहाँ पे भी नेगेटिव डाइवर्जेंस नहीं बताया। जब तक ये आरएसआई सिग्नल लाइन के नीचे सस्टेन नहीं होता है तब तक हम कुछ वीकनेस आया है ऐसे नहीं समझ सकते। और वॉट है अभी, तब जो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, ऐसे नहीं है कि ऊपर भी जा सकता है। ओके, तो उसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, तो उसके लिए हमें H3 के चार्ट में RSI को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, H3 के चार्ट में RSI को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये RSI समझो, H3 के चार्ट का RSI, H3 में RSI सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाता है, H3 में RSI सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन, अभी नीचे है वो ऊपर सस्टेन, जैसे लास्ट टाइम हुआ था ऊपर सस्टेन हुआ, उसके बाद में वापस बुल चलने लगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि RSI सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन हो जाए और बाद में मार्केट और ऊपर जाना चालू करे, लेकिन ये वापस निगेटिव डाइवर्जेंस का सिलसिला तो रहेगा ही, MACD का निगेटिव डाइवर्जेंस का सिलसिला तो रहेगा, मतलब तो वापस ऊपर गया तो वो तो रिक्स रहेगी हमेशा, वो जब भी ज्यादा रिक्स हो जाएगी तो मतलब तो हमेशा वो RSI जब तक ऊपर है तब तक मार्केट ऊपर रहेगा, ऐसे हो सकता है। तो अभी ये चीज है, ओके अभी देखते हैं स्टॉक्स में, जो स्टॉक्स में क्वार्टरली में सर एक क्वेश्चन होता है सर, हाँ बोलो, RSI जर वर, RSI जर H3 चा वर गेला, H3 चार्ट मध्ये क्लोज अप क्लोज अप E6 क्लोज अप E6 विथ RSI गेला तर जाऊ शकतो का वीकलीच्या E30 च्या वर? सर वीकलीच्या E30 वरच्या वरती जाईल, बट इट विल बी टेम्पररी बिकॉज देर इज अ निगेटिव डायव्हर्जन्स अगेन। ओके, MACD का निगेटिव डायव्हर्जन्स तो रहेगा इस दिन में वापस, करेक्ट ना, तो कभी भी वो नया वीक के बाद गिर सकता है, करेक्ट ना, कभी भी गिर सकता है, तो जितना एक्सटेंड करेंगे उतना मतलब ये इसका विदाउट रिट्रेसमेंट जा रहा है समझो, तो उसके रिस्क भी रहेगी और रिट्रेसमेंट की। विथ MACD जर, विथ MACD जर वर गेला तर मग चान्सेस आहे ना सर कि देन आल्सो इट इज व्हाट देयर इज अ चान्सेस, बट देन आल्सो देयर इज अ नेगेटिव डायवर्जन्स, इफ देयर इज नेगेटिव डायवर्जन्स ऑफ MACD इन H3 चार्ट, ओके देन अगेन इट विल बी द रिस्क बिकॉज देयर इज नो करेक्शन, बिकॉज देयर इज नो करेक्शन फ्रॉम इट हैज गॉन स्ट्रेट ना, it will go straight yes. otherwise. So it should at least correct 9900 daily ka E30 ka level to kam se kam aana chahiye, turant to mere khayal se nahi upar ja sakta aise RSI, abhi dekho ye RSI daily ka RSI niche hai ye, yahan pe bhi negative divergence hai, kam se kam weekly ka E30 to aana chahiye, daily ka E30 to aana chahiye, वहां से वो वापस ऊपर जा सकता है। फ्रेश बाइंग तो यहाँ पे ये लेवल पे जो स्टॉक वीकली 30 टच किया है उसके ऊपर ट्रेड हो रहा है, क्वार्टरली में वीक है, ऐसे स्टॉक में ये लेवल के बाद ऊपर में थोड़ा बाइंग रिस्की रहेगा, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके करना चाहिए। अभी उसमें क्या है, जो स्टॉक में वीकली 30 के ऊपर क्वार्टरली में वीक है और वीकली 30 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, वैसे स्टॉक में कभी कभी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये देखना पड़ता है कि ईयरली चार्ट में ये डिफरेंस कम है क्या, E6 और E30 का डिफरेंस कम है क्या, वो देखना पड़ता है, या क्वार्टरली चार्ट में E6 और E30 का डिफरेंस कम है क्या, वो देखना पड़ता है। एग्जांपल है कोलपाल, ये डिफरेंस बहुत कम है, ये वीकली के E30 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, ओके डिफरेंस बहुत कम है, दिख रहा है वीकनेस है, क्वार्टरली के हिसाब से वीकनेस है, लेकिन ये डिफरेंस कम रहने की वजह से मंथली में भी देखते हैं तो डिफरेंस E6 और E30 का डिफरेंस बहुत कम है, और ईयरली चार्ट में भी देखेंगे तो प्राइस E30 को काफी नीचे आके गई है, तो ये ऐसे कंडीशन में बाइंग होता है, लेकिन होल्डिंग करना पड़ेगा, होल्डिंग करना पड़ेगा, और ये स्टॉप लॉस रहेगा 1300 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये इसी का स्टॉक्स है।
डिफरेंस कम होना चाहिए। फिर अभी देखते कोई स्टॉक्स है क्या, इंडसइंड बैंक तो है, अभी क्वार्टरली वीकली के हिसाब से देखेंगे वैसे स्टॉक्स कोई है क्या जो तो बाइंग में चल सकते। अभी देखो यहाँ वीकली 30 के ऊपर गया और बाद में नीचे आना चालू कर दिया इसने, स्टॉक में थोड़ा सा ट्रेड होता है करेक्ट ना, हमें लगता है कि ऊपर जाएगा करके, लेकिन वो जब भी H3 में या ऐसे E30 के पास, E30 के ऊपर आ गया है, मतलब कहना का तो ओवरबॉट हुआ है, और वैसा स्टॉक कभी भी गिर सकता है, ऐसा नहीं कि टिकेगा करके, क्योंकि तो बुलिश कंडीशन बनने के लिए, क्वार्टरली का बुलिश कंडीशन बनने के लिए क्लोज अबाव E6 होना चाहिए, रिट्रेस होना चाहिए, उसके बाद में सेकंड क्लोज अबाव E6 जाना चाहिए तो बुलिश में की तरफ जा सकता है। तो वैसी तो कंडीशन नहीं है, खाली ये जो फॉल हुआ है उसका रिट्रेसमेंट दिया है, वीकली 30 आ गया है, तो पहले तो रिट्रेस होना चाहिए, रिट्रेसमेंट के बाद वापस क्लोज अबाव E6 जाना चाहिए, वापस रिट्रेस होना चाहिए, वापस क्लोज अबाव E6 जाना चाहिए। E6 क्लोज अबाव E6 मतलब इधर वीकली के E30 के ऊपर क्लोज, तो 2-3 बार हो जाएगा तो ऊपर जाने के चांसेस रहेगी। तो अभी के कंडीशन में वो दिखता नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे भी है अदानी पोर्ट। अभी जो स्टॉक्स में देखो थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, बाद में नीचे आना चालू किया है इसने, तो ऐसे हो सकता है करेक्ट, तो थोड़ा सा रिस्की तो जरूर रहेगा, वीकली 30 के ऊपर बाय करना है तो अभी ये स्टॉक ऊपर जा रहा है क्योंकि इधर डिफरेंस कम है ना, E6 और E30 का डिफरेंस कम है, तो ये जब डिफरेंस कम रहेगा तो चांसेस रहेंगे। एग्जाम्पल मैरिको का भी है शायद, मेरिको का ना नहीं है मेरिको, तो ये देख सकते कोई स्टॉक्स रहेगा इसलिए तो हो सकता है, लेकिन क्वार्टरली के में E6 सर ये बजाज ऑटो है, ये हो सकता है क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है इसका। अभी कौन से स्टॉक्स बाइंग में हो सकते हैं उसकी लिस्ट हम बनाते हैं, या कुछ जो स्टॉक सर गैप फॉर्म एक में, जिसमें गैप फॉर्मेशन बना रहेगा, प्राइस बार और E6 में गैप फॉर्मेशन बना रहेगा वो तो पहले गिरेगा, लेकिन RSI वीकली का RSI जब तक नीचे नहीं जाता है तब तक प्रॉपर शॉर्ट सेल नहीं है, और छोटे छोटे चार्ट से काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे चार्ट से काम करना पड़ेगा। ओके 15 मिनट का चार्ट जब बाइंग में आ जाएगा तो बाय कर लेने का, वीकली का RSI ऊपर है ना तब तक चलता रहेगा, लेकिन ट्रेड भी 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर शॉर्ट सेल करना है तो वीकली का RSI सिग्नल लाइन के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक हम प्रॉपर शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, मेरे ख्याल से प्रॉपर नीचे आने के बाद ही हम बाइंग के लिए सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तो अभी शॉर्ट सेल के लिए प्रॉपर ट्रेड तो नहीं है, क्योंकि RSI बहुत सारे स्टॉक में RSI सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है, वीकली का RSI सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है, जब तक वीकली का RSI सिग्नल लाइन के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन है तब तक पोजिशनल शॉर्ट सेल नहीं होता है कोई भी, करेक्ट, तो शॉर्ट सेल की प्रॉपर गारंटी नहीं दे सकते कि ये यही हो जाएगा, लेकिन H3 H1 इसके हिसाब से 1-2 घंटे का ट्रेड कर सकते हैं, या 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से तो 1-2 घंटे का ट्रेड हो सकता है, लेकिन बड़ा ट्रेड तो नहीं है। अरे अभी बाइंग में जाएंगे तो इंडसइंड बैंक है, वीकली 30 नहीं आए, जो स्टॉक वीकली 30 नहीं आए उसको थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हम बाय कर सकते हैं, ताकि वीकली 30 आ जाए, मतलब करेक्शन की एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए थोड़ी।
रिट्रेस जो हुए और प्रॉपरली क्लोज अबाउ E6 एंड E30 एंड रिट्रेसमेंट होके प्रॉपरली वीकली में रिट्रेस होके ऊपर जा रहा है, वैसे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं लेकिन होल्डिंग के पर्पज पे। तो देखो ये बाय हुआ हो रहा है, बाय हो रहा है लेकिन नया हाई तो नहीं बना पा रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये शॉर्ट सेल में जाएगा। ये वीकली के E30 के ऊपर बाय नहीं कर सकते लेकिन प्रॉपर शॉर्ट सेल भी नहीं हो बन रहा है क्योंकि वीकली का RSI सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है। ये प्रॉपरली आप वीकली HP के हिसाब से शॉर्ट सेल की पहली कंडीशन ही है कि RSI वीकली का सिग्नल लाइन के नीचे सस्टेन होना चाहिए। ओके तो यहाँ पे तो सिग्नल लाइन के ऊपर सस्टेन है, तो कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। एक क्वेश्चन होता जी, ई थर्टी लेवल है वीकली मध्ये ई थर्टी लेवल तोडायचे असेल स्टॉपला तर कंडिशन काय होणार ती? क्वार्टरली का कंडिशन देखा, क्वार्टरली क्लोज अबव E6 बाद में रिट्रेसमेंट वापस क्लोज अबव E6 सेकंड टाइम विद आरएसआई पॉजिटिव डाइवर्जेंस ऊपर नहीं रहेगा तो भी चलेगा लेकिन पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्वार्टरली में चाहिए। टाटा कंज्यूमर एंड डाबर, टाटा कंज्यूमर एंड डाबर बुलिश है, बुलिश क्वार्टरली का ये जो है ना बुलिश है। तो कैन वी होल्ड टिल 450 क्वार्टर हाई? बुलिशनेस है, बाइंग प्राइस है डेली का E30 370। ओके क्वार्टर के हिसाब से क्वार्टर टारगेट विल बी जो हाई हो सकता है, 400 हो सकता है, 400 हो सकता है। डाबर, डाबर शॉर्ट सेल तो नहीं है डाबर का, पोजीशन होल्डिंग करना पड़ेगा डाबर में क्योंकि वीकली चार्ट उसका वीक है, वीकली एंड मंथली इज वीक, मंथली वीक है ना, तो मंथली का वीकनेस है तो मंथली का E30 बाय प्राइस हो जाएगा। अच्छा एंड टारगेट, टारगेट होल्डिंग है ना, वीकली का मंथली का RSI ऊपर नहीं आता है तब तक कुछ नया है के लिए नहीं बन सकते ना, नया हाई नहीं बनाएगा ना। बट क्वार्टरली इट इज बुल केस वन, क्वार्टरली RSI नीचे है ना, RSI नीचे बट ऑल्दो इट इज बुल केस वन, हाँ बुल केस वन है लेकिन RSI नीचे है ना, तो ये मंथली का RSI नीचे नहीं, जब तक ऊपर नहीं जाता तब नया है कैसे बनेगा, तब तक नहीं है। 490 तक जाएगा, 480 490 तक जाएगा, गिरेगा ये RSI प्रेशर है इसका ना सेंटर ये, लेकिन शॉर्ट सेल भी नहीं कर सकते इसको। सर SL Propack और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बताइए ना, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिफ्टीन में बाय है, 30 तक ऊपर जा सकता है। ओके सर, और ओके SL Propack, SL Propack E for elephant, हाँ ये नया है बनाएगा। ओके सर, और ये लेवल अच्छा है ना बाय के लिए? उसने वीकली में तो नीचे आ गया E6 के लेवल पे, मंथली के E6 तक बाय है। ओके ओके सर, हेलो सर, टाटा गुजरात गैस बद्दल सांगा ना। गुजरात गैस
करंट इज पार्शियल बुक है, पार्शियल बुक करना चाहिए प्रॉफिट. ओके आणि किती पर्यंत जाईल पण? दोन मिनट खाली पहिला किती येईल बघूया. ओके बाय प्राइस इज 280 285. उसके बाद में नया है बना सकता है लेकिन हेलो सर रैलीज बदल सर रैलीज प्राइसेस होल्ड कर सकते हैं होल्डिंग है 250 में बाय कर सकते हैं रैलीज. ओके सर नवीन हाई बनवणार का? हाँ बनू शकतो. हाँ ओके ओके सर. फेडरल बैंक अभी तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए. L&T फाइनेंस L&T फाइनेंस का भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए. लारसन LT800 के आजू बाजू में बाय है वापस. बैंक ऑफ बड़ौदा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और बाद में 45 में बाय करना चाहिए. RBL 160 में बाय करना चाहिए. RBL बैंक 160 के आजू बाजू में बाय करना चाहिए अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए. आयरन एक्सचेंज इक्विटास का भी अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए. NIIT टेक्नोलॉजी मिक्स ट्रेंड पे NIIT टेक्नोलॉजी इक्विटास भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए. HUL में ख्याल से होल्ड कर सकते हैं. With a stop loss of 2063, target of 2300. Equitas क्या इंडसइंड बैंक है ये? इंडसइंड बैंक रिट्रेस हो जाएगा पहला. ये रिट्रेस में डाल रहा है. 483 400 तक बाइंग है. इसके बाद में ये बाइंग चलेगा. 400 तक नीचे आ जाते हैं उसके बाद में बाइंग चलेगी. इन्फो एज मिक्स ट्रेंड पे है. मदरसन सुनी महिंद्रा फाइनेंस भी एक बार देखेंगे. मदरसन सुनी थोड़ा नीचे आने दो. चिपला नीचे आएगा पहला. सिप्ला वीकली 30 आ सकता है. सिप्ला ओवरबॉट है देखा था हमने अभी. सर जेबी केमिकल्स बदल सांगा ना. जेबी केमिकल होल्ड है. होल्ड डाइवर्जन बाय वीकली सॉरी मंथली 620 टू 640 देयर इज बाय प्राइस 640 भी आ सकता है. कोटक बैंक और व्हाट है. एक्सिस बैंक बाय कर सकते हैं. होल्ड है कोटक बैंक. ये और व्हाट हुआ है मतलब करेक्शन थोड़ा एक्सपेक्टेड है अभी तो नहीं नीचे आएगा. होल्ड कर सकते हैं. एक्सिस बैंक भी होल्ड कर सकते हैं. एक्सिस बैंक भी होल्डिंग है.
बाय करना है तो 360 के आजू बाजू में बाय हो जाएगा एक्सिस बैंक का। सर ये कोटक अभी होल्ड क्यों है, वो तो ओवरबॉट है ना? कोटक क्या हुआ इधर, इसमें ये जो डेली का चार्ट में ये डिफरेंस बहुत कम है, इसी सॉरी 30 और आर एस से ऊपर है ना। हाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी होल्डिंग है, होल्डिंग है इतनी का आर एस एस, लेकिन बाय करना है तो 160 का आजू बाजू में बाय करना चाहिए। सर बट ये सब जो बैंकिंग के स्टॉक्स है वो तो सारे के सारे एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को रेप्लिकेट करते हैं, तो मतलब जब ये बैंक निफ्टी गिरना शुरू कर जाएगा तो इसमें से एग्जिट करना पड़ेगा ना। हाँ बराबर, बैंक निफ्टी सेल में आ जाएगा तो थोड़ा सा एग्जिट करना ही पड़ेगा। ओके 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 ओके, चलो गुड नाइट। सर अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और बॉट है, टाटा कंज्यूमर होल्ड करना पड़ेगा। ओके सर, पावर ग्रिड सर, पावर ग्रिड क्लाउड ग्रिड होल्ड है। ओके नीचे आएगा तो 165 के आजू बाजू बाय है। ओके सर गुड नाइट, गुड नाइट। ओके सर गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट।